हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक नए DSLR कैमरे के बारे में। खास बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल प्लान कर रहे हो यार कि एक नया कैमरा आज मेरे को बुक करना है ऑनलाइन, या फिर कहीं मार्केट जाके आप परचेस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी नया DSLR परचेस करने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि हम एक DSLR कैमरा परचेस कर लेते हैं और बॉक्स तो खोल लिया, उसके बाद ये होता है कि अरे यार ये ऑप्शन था ही नहीं इसके अंदर, और फिर बाद में ये होता है कि उसको आप शॉप वाले को रिटर्न करने जाओगे तो वो लेगा नहीं, या फिर उसको बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं पानी के रेट बिकेगा और आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है मेरा, इसको जरूर देखें, काफ़ी मदद मिलेगी आपको एक नया DSLR परचेस करने के लिए। इस वीडियो में आपको मैं स्पेशली फोटोग्राफी के हिसाब से मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे फंक्शंस तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी एक अच्छा DSLR परचेस करने के लिए। तो ये चीज़ आप जरूर देखें। तो मैं चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी 5-6 पॉइंट मैंने कुछ नोट करके रखे हैं आपके लिए। तो ये अगर आप 5-6 चीज़ों भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा DSLR खरीदने में बहुत काफ़ी मदद मिल जाएगी, और आप फिर उसको कुछ साल तक पछताएंगे नहीं कि यार यार ये ऑप्शन छूट गया मेरा, अगर ये ऑप्शन होता है इसके अंदर तो मैं बहुत बेटर DSLR कैमरा परचेस कर सकता था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से खास ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है एक नए DSLR परचेस करते समय। तो पहला पॉइंट मैंने आपके लिए ये निकाल के रखा है कि इसमें आपको जब भी आप एक नया DSLR परचेस करने जाएं तो ध्यान रखें कि उसकी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन कम से कम मूवेबल हो, टिल्टिंग स्क्रीन होना चाहिए। अगर आर्टिकुलेटेड स्क्रीन मतलब फ्रंट पे भी अगर नहीं भी आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अगर कॉस्टली पड़ रहा है छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ये ध्यान रखना है कि उसकी जो स्क्रीन है ऊपर नीचे मूव होने जैसी हो, क्योंकि अगर आप नीचे से कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं, सपोज फुट स्टेप से लेकर अगर कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो कम से कम आप स्क्रीन को ऊपर करके देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है किस एंगल में आ रहा है, किस टाइप से उसकी फोटोशूट हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर स्क्रीन फिक्स होगी तो आपको बिल्कुल लेट के फोटोग्राफी उसकी करना पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उसके अंदर। फिर आपको मन में ऐसा लगेगा कि अरे यार स्क्रीन अगर मैं टिल्टिंग वाली लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें DSLR कैमरा लेते समय आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि आपके कैमरे के अंदर माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है माइक जैक, एक फोटोग्राफी के लिए तो ठीक है, अगर आप घर में छोटा मोटा फंक्शन शूट कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या सपोज आपका यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना सोच रहे हैं कि मैं कुछ एक नया कंटेंट बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब पे उसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये माइक लगा रखा है जो कि कैमरे में डायरेक्ट लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कैमरे के अंदर माइक जैक नहीं होगा तो फिर आपको बहुत महंगा एक अलग से एक एक्सटर्नल माइक खरीदना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर से जुड़ता है, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग को आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे लफड़े रहते हैं। तो आप एक ध्यान रखना कि बस माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है, हेडफोन जैक नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक छोटा सा सस्ता वाला माइक भी आप लगा के अपना वीडियो शूट आराम से कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी का विशेष ध्यान रखना। तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कैमरे के अंदर हार्ट शो होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट शो जानते हैं क्या होता है? हार्ट शो जो होता है वो पोर्ट जिसके अंदर हम अपना फ्लश लगाते हैं, जिस पोर्ट के आप फ्लश बिठाते हो ना कैमरे के अंदर ऊपर की साइड में, तो जो स्टील का जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हार्ट शो। तो ये हार्ट शो है, और हार्ट शो के अंदर आपको जब भी फ्लश गन आप लगाते हैं तो इससे आप फ्लश इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं यार मेरे को फ्लश की कोई ज़रूरत ही नहीं अभी, मैं चाहता हूँ, बाकी ध्यान रखना कि अगर आप अच्छी फोटोग्राफी धीरे धीरे सीख जाएंगे, बिगिनर हैं फिलहाल आप, और अच्छी फोटोग्राफी जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको जब भी नाइट शूट आप करेंगे तो आपको फ्लश लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्लश गन के लिए आपको हार्ड शो होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा लगेगा आपको कि यार बहुत सारे DSLR में सभी में तो आता हार्ड शो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैमरे ऐसे होते हैं जिससे बहुत सारे थोड़े से कम रेट के भी मिररलेस कैमरे आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको हार्ड शो नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोनी का A5100, आप उसमें देख सकते हैं 5100 के अंदर आपको हार्ड शो लगाने का ऑप्शन नहीं है, A5000 में भी ऑप्शन नहीं है हार्ड शो लगाने का, तो उसमें आप फ्लश गन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका जो फ्लश गन आप बस ये कि आपको अलग से एक लाइट सोर्स यूज़ करना पड़ेगा तभी आप फोटोग्राफी अच्छे से कर सकते हैं, तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है और बहुत दिक्कत आएगी आपको फोटोग्राफी करते समय। तो क्या ध्यान देना है आपको, हार्ड शो होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर जो स्टील का जो पार्ट होता है फ्लश के साथ में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से होता है ये, तो आपको ये देख के ही कैमरा परचेस करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। नया DSLR कैमरा परचेस करते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक आजकल कैमरों के अंदर एक IR सेंसर आता है जो कि आपको नाइट फोटोग्राफी में काफ़ी मदद करता है। अगर आप बिल्कुल अंधेरे में फोटो शूट कर रहे हैं, अगर आपके पास लाइट का सोर्स बहुत कम है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो ये जो लाइट सेंसर होता है इसको आप हल्का सा, अगर आपका जो शटर रिलीज बटन जो होता है उसको हल्का सा आप जैसे टच करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, तो आपका IR सेंसर में जो एक रेड कलर की लाइट निकलती होगी आपने देखा होगा,
जिसे एक रेड कलर की लाइट निकलती है, वो क्या करता है कि आपके जो फोटोग्राफी है उसके अंदर ऑटोमेटिक लाइट ले आता है और आप उसको फोकस आराम से कर सकते हैं और फोटोग्राफी अच्छे से कर सकते हैं। ये जो IR सेंसर होता है ये फोटोग्राफ में लाइट भी लेके आता है, साथ में क्या होता है कि आपके ज़्यादा लाइट नहीं लेके आएगा कि फ्लैश जैसे लाइट लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए होता है वो। तो आपका जो ऑटो फोकस जो पॉइंट होते हैं उसको वो एक्यूरेट देखने के लिए काम होता है। एक चीज़ का विषय ध्यान रखना, अगर आप अंधेरे में फोटोग्राफी करेंगे तो आपका ऑटो फोकस प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोकस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट ठीक से दिख ही नहीं रहा है, सेंसर के ऊपर लाइट ही नहीं गिर रहा है उसका। तो उस चीज़ को ऑटो फोकस करने के लिए जो सेंसर होता है, ये रेड कलर की जो लाइन निकलती है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट कैप्चर कर लेता है और उसको ऑटो फोकस कर लेता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपके इसमें IR सेंसर लगा हुआ होना वो ज़रूरी। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस टाइप का IR सेंसर होता है, जब भी आप इस शटर रिलीज बटन को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये एक रेड कलर की लाइट निकलती है, उसको बोलते हैं IR सेंसर। ये बहुत कम कैमरों में होता है, पुराने कैमरों में नहीं आता या सस्ते कैमरों में नहीं आता है। तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप ये ऑप्शन अगर लेंगे तो आपको नाइट फोटोग्राफी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इसको स्पेशली यूज़ करता हूँ, घर में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं तो फोटोग्राफी करने में बहुत मदद करता है। तो इसका विषय ध्यान रखना, जब भी आप एक नया DSLR कैमरा परचेस करते हैं तो कंपनी साथ में आपको किट लेंस देती है जो कि 18-55 का होता है। चाहे आप निकॉन में देख सकते हैं, कैनन में देख सकते हैं, सोनी में कुछ 15-45 का आता है तो वो भी देख सकते हैं। तो जो किट लेंस होता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेसिक लेंस होता है, फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर, वो आपको सिर्फ सीखने के लिए होती है। अगर आप कुछ ऐसा करें, अगर वो लेंस को आप माइनस करा दें, उसका अगर पैसा वो माइनस करता है 6-7-8 हज़ार जो भी होता है, अगर आप सिर्फ बॉडी परचेस कर लें और एक अच्छा प्राइम लेंस परचेस कर लें, जैसे 50mm जो होता है प्राइम लेंस निकॉन में मिल जाएगा, कैनन में मिल जाएगा, सोनी में भी आपको मिल जाएगा, तो फोटोग्राफी बिल्कुल मज़ेदार हो जाएगी आपको। उसमें क्या बेनिफिट होता है मैं बता देता हूँ, उसमें जो आपकी जो लेंस की जो अपर्चर वैल्यू होती है वो 1.8 होती है। तो 1.8 अपर्चर वैल्यू होने के साथ में क्या होता है कि जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो ब्लर इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और नाइट फोटोग्राफी में, अंधेरे वाली फोटोग्राफी में आपको उसमें उजाला काफ़ी अच्छा मिलेगा फोटोग्राफी में करते समय। तो जितना अपर्चर वैल्यू लेंस की कम होगी उतना आपकी फोटोग्राफी अच्छी होगी, और वो अपर्चर जो कम होगी वो प्राइम लेंस के अंदर ही मिलेगा। थोड़ा सा कॉस्टली लेंस आते हैं, 8 हज़ार समथिंग आपको मिल जाएगा निकॉन कैनन दोनों के अंदर, तो वो आप किट लेंस माइनस करा के ये वाला लेंस ले लेंगे तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी में मजा आ जाएगा आपको। ये मेरा मानना है, अगर आप 18-55 का लेंस माइनस नहीं भी कराते हैं तो वो आपको देखना है, आप परचेस कर सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी सीख सकते हैं। कैमरे के साथ में जो किट लेंस आता है ना, उसके अंदर जो 18-55 का जो लेंस आता है उसकी जो अपर्चर वैल्यू होती है कम से कम 3.5 रहती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आएगी मैं बता देता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी फ़ोटो ब्लर नहीं आ रही है, जो हम फोटो लेते हैं उसमें जो बैकग्राउंड होता है ब्लर नहीं आता है। तो बहुत सारे आपके लोगों के कमेंट्स हैं मेरे पास कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ यार बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है, तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप किट लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपर्चर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो 3.5 लगभग ज़्यादा ही है, आपको उसमें ब्लर इफेक्ट जैसा मज़ा नहीं आएगा, फोटो क्वालिटी क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी, कलर इफेक्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरा बस यही आपको बताना था कि अगर आप किट लेंस को माइनस करा दें, जो भी उसके 6-7 हज़ार माइनस होते हैं, और 1-2 हज़ार मिला के आप अगर 50mm का प्राइम लेंस परचेस कर लेंगे तो आपको फोटोग्राफी करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। ब्लर इफेक्ट फिर आप देखना, क्योंकि उसमें 1.8 की ब्लर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, 1.8 का उसमें अपर्चर वैल्यू आपको मिल जाएगा, अपर्चर वैल्यू मतलब फोकल लेंथ आपको 1.8 की मिल जाती है, तो आपको क्या होता है बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा आएगा और उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा आएंगे कैमरे के अंदर। तो ये प्राइम लेंस में कुछ कुछ आपको बेनिफिट्स अच्छा हो जाएगा, तो आप अपनी इच्छा पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बता दिया, आप जैसा चाहें वैसा परचेस कर सकते हैं। जब भी आप DSLR कैमरा परचेस करने जाएं ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि शोरूम पे उस कैमरे का सैंपल लगा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो सैंपल लगे हुए उस कैमरे को आप एक बार उठाना, चला के देखना और उसको लाइव व्यू मोड पे डाल के देखना, और साथ में क्या करना, आप थोड़ा सा उसको अंधेरे वाली जगह पे उसको कैमरे को मूव करके देखना, या फिर अंधेरा की जगह नहीं हो, लाइटिंग ज़्यादा हो तो आप लेंस के आगे थोड़ा सा अपना हाथ रख देना और लाइव व्यू में देखना कि आपको दाने दाने तो नहीं दिख रहे उसके अंदर। दाने दाने जो दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आते हैं नाइट मोड के अंदर, वो दो कारण से आ सकते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके इसमें ISO अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है तो भी दाने आएंगे। तो ये चीज़ का एक चीज़ वो देख लेना कि आपका ISO कम से कम उसके अंदर 200-300 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 400 तक भी दाने नहीं आते, तो आप 400 तक भी ISO रख लेना और लेंस के आगे आप थोड़ा सा अंधेरा करके देखना, अपना हाथ रख के देखना। अगर स्क्रीन पे अंधेरा होने पे अगर दाने 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 दिख रहे हैं तो वो कैमरा मत लेना। देखो कौन से कैमरे में आ सकते हैं बता देता हूँ, सोनी का जो A58 आता है उसमें आपको थोड़े से अंधेरे में दाने दाने दिखेंगे। अगर आप कम लाइट में वीडियो शूट करोगे तो आपकी वीडियो के अंदर आपको दाने दाने दिखेंगे उसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, एकदम शार्प वीडियो शूट नहीं होगी। फोटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फोटोग्राफी आप बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी कैमरे से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। बाकी अगर आप सोचते हो कि मैं फोटोग्राफी के साथ साथ थोड़ा बहुत
वीडियो शूट करने का भी काम करूंगा, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अंधेरे में मिल जाएंगे तो उसमें स्क्रीन के ऊपर आपको दाने नहीं दिखना चाहिए। अगर दाने दिख रहे हैं तो उस कैमरे को बिल्कुल आप रख देना, क्योंकि आप बाद में बहुत पछताओगे। और इससे ध्यान रखना कि एक बार कैमरा खुल गया तो भी रिटर्न नहीं होना है, ठीक है, मेरी चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो मैं लास्ट पॉइंट आपको और बता देता हूँ, अगर आप DSLR कैमरा परचेस करने जा ही रहे हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखना, छोटी सी चीज़ें, वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है। वाईफाई होने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ों में आपकी सरल हो जाती है, काफ़ी आपको मतलब ये होता है कि आप आराम से फ़ोटो खींचने के बाद उसको वायरलेसली आप अपने मोबाइल पे या अपने जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें वाईफाई कनेक्ट करके आप अपना फ़ोटो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको बार बार मेमोरी कार्ड निकालनी पड़ेगी कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, उसको आपको OTG के माध्यम से लगाना होगा और अपने फ़ोटो को ट्रांसफ़र करना होगा, तो काफ़ी हेडेक हो जाता है, काफ़ी मेहनत हो जाती है करने के लिए। तो वाईफाई लगभग आजकल सभी कैमरे कैटेगरी में आपको मिल जाता है, तो ये ज़रूर देख लेना आप जो मॉडल पसंद कर रहे हैं उसमें वाईफाई है भी कि नहीं। तो वाईफाई ज़रूर होना बहुत ज़रूरी है, ब्लूटूथ नहीं होगा चलेगा, वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंपनी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको वाईफाई से भी कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं और अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी एक नया DSLR परचेस करते समय, तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताना ज़रूर, क्योंकि अगर वो भी अगर प्लान कर रहे हैं नया DSLR कैमरा परचेस करने के लिए तो ये भी उन पॉइंटों को ध्यान रख के ही परचेस करें, जिससे आपका पैसा नहीं बिगड़े। क्योंकि अगर आप 30-40 हज़ार रुपये बिगाड़ रहे हैं तो यार खास खास चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, अगर यही चीज़ आप छोड़ दोगे तो आपको बहुत पछतावा होगा और फिर कैमरा बिकने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, बस आप पछता जाओगे, फिर आप यही सोचोगे कुछ दिन चलाने बाद कि यार मैं एक कैमरा वो ले लूँ, फिर दिक्कत आएगी क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है कैमरा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं कैमरा रिलेटेड बहुत सारी ऐसी खास खास वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते समय या फिर नया कैमरा खरीदते समय। मैंने अपने वीडियो सेक्शन के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं जिसमें आपको फ़ोटो खींचने समय या वीडियो शूट करते समय क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा मिररलेस कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो ऐसी बहुत सारी मैंने कम से कम 100-125 वीडियो आपके मेरे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी फोटोग्राफी करते समय और वीडियोग्राफी करते समय। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और मुझे लाइक कमेंट शेयर करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है मेरी, और आपके कुछ भी सवाल हैं वीडियो संबंधित, कुछ भी आपके प्रश्न हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन अंदर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का आंसर देने का। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसी टाइप की एक नई वीडियो के साथ में, टेक केयर, बाय बाय।